हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। ग्रैंड फिनाले से पहले तय हुआ हिमांशी खुराना और असीम रियाज के बच्चों का नाम, फैंस ने किया है शेयर। चलिए बताते हैं कि बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है। फिनाले से पहले काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको करना होगा फिल्मी बीट को सब्सक्राइब और दबाना होगा घंटे का बटन ताकि आपको मिल सके सारे नोटिफिकेशन। तो ग्रैंड फिनाले के लिए अब गिनती के दिन ही बचे हुए हैं और बिग बॉस अब तेजी से अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर यूजर्स भी शो के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करने के साथ साथ उनके बारे में सोशल मीडिया पर काफी कुछ बातचीत भी करते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल बिग बॉस के घर में अपने बच्चों के नाम के बारे में बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ से बात करते हुए शहनाज गिल ने बच्चों का नाम भी डिसाइड कर लिया था। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और तो और जोरावर नाम सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड भी करता हुआ दिखाई दिया। जोरावर नाम ट्रेंड करता हुआ देख बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रही हिमांशी खुराना ने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ ही उनको हंसी भी आ रही थी। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, हा हा हा, व्हाट इज दिस। इसके बाद असीम रियाज और हिमांशी खुराना की जोड़ी के फैंस ने भी दोनों के बच्चों के नाम सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिए। असीम रियाज और हिमांशी के फैंस ने दोनों के बच्चों का नाम मानसी रखा है। वैसे अगर बात करें हिमांशी खुराना की, तो बिग बॉस के घर में उनकी एंट्री वाइल्ड कार्ड के तौर पर हुई थी। बिग बॉस में एंट्री के बाद असीम रियाज ने उनको प्रपोज कर दिया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने इसको लेकर कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं दिखाई थी। जिसके बाद हिमांशी खुराना घर से बेघर हुई और उन्हें उनके प्यार का एहसास हुआ। जब वो फिर से घर में गई तो उन्होंने असीम रियाज के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। वेल दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।